हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर छोले चाट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मटर छोले चाट बनाने के लिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मटर लेंगे। लगभग वेट में 200 ग्राम के आसपास है। इसे हमने 7 से 8 घंटे पानी में फूलने के लिए दे दिया था। उसके बाद हम मटर को 4 से 5 सीटी मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और पकने के समय इसमें नमक डाल देंगे कुकर में, ताकि आसानी से पक जाए। उसके बाद हमने सामग्री ली है: 1 बड़े साइज का प्याज, 1 मीडियम साइज की टमाटर, 2 हरी मिर्च और कुछ हरी धनिया। अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद उसमें हम जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद हम प्याज डालेंगे और हरी मिर्च, और इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। हमारा प्याज भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच छोले मसाले ऐड किए हैं। इन सब मसालों को ऐड करने के बाद इसमें पानी डालेंगे हम। पानी डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है मसाले को। अब हम इसमें ऐड करेंगे पका हुआ मटर, जिसको कि हमने मैश करके रखा था। कुछ मटर को हमने मैश कर दिया था। उसके बाद हम यहाँ इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। और अभी हमारा मटर पक चुका है अच्छी तरह से, तो हम इसमें ऐड करेंगे हरी धनिया। उसके बाद मिला लेंगे। देखिए, हमारा चाट छोले इस प्रकार का तैयार हुआ है। ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर लग रहा है मुझे। यहाँ पे हम थोड़ी सी और छोले मसाले का प्रयोग किया है, और करने के बाद इसे फिर हम मिलाएंगे। तो हमारा चाट छोले बनके तैयार है। प्लेटिंग करेंगे तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसे आप भी अपने घर पे बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। सबसे पहले हम यहाँ दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद फिर हम इमली का पानी ऐड करेंगे।
आप चाहे तो इमली कम भी दे सकते हैं वो अपने टेस्ट के अनुसार। फिर हम इसमें लेज या आलू चिप्स को मैश करके इसमें थोड़ी सी डालेंगे ताकि ये क्रंची लगे। हमने यहाँ पे लेज का इस्तेमाल किया है। और फिर इसमें टमाटर डालेंगे थोड़ी सी, और जो प्याज हमने काटी थी पहले वो थोड़ी सी मैंने रख ली है तो उसको फिर इसमें डालेंगे। फिर हम सेवइयां ऐड करेंगे। आप चाहें तो सेवई की जगह पे आलू भुजिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर काला नमक ऐड करेंगे थोड़ी सी। थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। इसे और डेकोरेट के लिए हम इसमें स्लाइस करके दो नींबू डाली हैं। और ये देखिए हमारा छोले चाट बनके तैयार है। आप भी चाहे तो इसे घर में बना सकते हैं और अपने परिवार को खिला सकते हैं। बहुत ही इजी है और कम लागत में ये छोले चाट बनके तैयार भी हो जाता है मुश्किल से 15 से 20 मिनट में। तो कैसी लगी रेसिपी ये फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी चाहिए तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।